ये मेरे पास लिस्ट है, एक बार चेक कर लें आप। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपका कंपलसरी है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें पेड मेंशन हो, दसवीं की मार्कशीट है, प्लस टू की मार्कशीट है, और आपकी जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, हायर क्वालिफिकेशन, नो गवर्नमेंट जॉब की अंडरटेकिंग है, फादर डेथ या विडो सर्टिफिकेट है, ठीक है सर, डी नोटिफाइड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, किसी भी अगर कैटेगरी का से बिलोंग करते हैं, सीबीसी, ईडब्ल्यू एस जिसका सर्टिफिकेट, ईएसएम उसके सभी डॉक्यूमेंट, डीएएसएम उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ईएसपी कैंडिडेट, हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट और एक आपकी आईडी, ये सभी फोटोकॉपी आपके पास अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी चले जाए और अपनी कागज पूरे कर ले। ये ईडब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट है जो, इसमें भी एक कैटेगरी है 6 लाख से नीचे, अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से नीचे है वो सर्टिफिकेट मेंशन होएगा। 19-20 में जो बड़ा है, 2019-20, और ये जल्दबाजी करने की कोशिश न करें भाई, अपनी लाइन में आपने बैठना है, शेड्यूल आपका लग गया, लाइन में बैठना है, बैठो नहीं पीछे चले जाओ। हर कमेटी से 5 या 10 कैंडिडेट जाएंगे वन टाइम में, ये कभी सोच रहे हो ना अभी यहाँ सभी की एंट्री हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 25 कमेटी है तो 100 बंदे अंदर जाएंगे एक बार में, अपना रोल नंबर चेक कर ले, अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर ले। कल बहुत कैंडिडेट थे जो सिर्फ अंदर जाते हैं कॉपी, हम आने नहीं देंगे एक बार अंदर आगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, ये सारे आपके पास होने चाहिए सेल्फ टेस्टेड, और पेड वाले फॉर्म की बहुत दिक्कत आएगी, मैं गेट से वापस भेजूंगा, आते से ज्यादा अपने प्रोफाइलर रह रहे होंगे, चेक कर ले, प्रोफाइलर वाले को एंट्री नहीं मिलेगी, और कहीं कहेंगे मेरे पास ये पेड की स्लिप है, स्लिप भी नहीं चलेगी। ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर पेड मेंशन होना चाहिए, ये बार बार करो, मैं चेक कर लो, आप में से आते ऐसे हैं जिनके पास पेड़ की